हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा रिब कमांड के बारे में और स्लॉट के बारे में। ठीक है, रिब के लिए क्या करना, सबसे पहले आपको एक कर्व ड्रॉ करना है। ठीक है, कर्व के लिए स्केच प्लेन और एक कर्व आपने ड्रॉ किया, कोई भी कर्व हो सकता है। ठीक है, एग्जिट वर्क बेंच। अब आपका ये कर्व आ गया, आपकी प्रोफाइल आ गई। अब इस पर क्या करना है, हमें एक प्लेन रेफरेंस प्लेन लेना है। ठीक है, रेफरेंस प्लेन के लिए आपको रेफरेंस एलिमेंट के नाम से टूल मिलेगा और इसमें आपको मिलेगा प्लेन प्लेन। ठीक है, आपको जो आपका कर्व है आपको उसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको पॉइंट पे मूव कराना है इसे। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारा प्लेन यहाँ पे क्रिएट हो गया। ओके, ठीक है, इसके बाद स्केच स्केच प्लेन सेलेक्ट। ठीक है, अब हमने इस पे जो भी आपको सेक्शन बनाना है, आप सर्कल है, रेक्टेंगल है, वी ट्रायंगल, कोई भी आप इस पे ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी सेक्शन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इस पे हमने फिर क्या करना है, यहां से अप्लाई करना है इस पे रिब कमांड को। रिब लेना है, आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी। इसके बाद सेंटर कर्व कौन सा है हमारा, ये है। ठीक है, अब देखो इसके प्रीव। ठीक है ना, अब इसमें आप थिकनेस भी दे सकते हो, थिंक प्रोफाइल। ठीक है, जो भी आपको थिकनेस चाहिए, 1, 2, 3, 4 जितने भी चाहिए। और थिकनेस 1, 2 इसका मतलब क्या है, थिकनेस 1 में जो हमारा स्केच है उसके इनसाइड आएगी, 2 में उस स्केच के आउटसाइड आएगी। और यहां से आप प्रीव करके देखोगे तो ये आपका फॉलो हो जाएगा, राइट। इसके बाद इसमें मर्ज का ऑप्शन भी आता है, मर्ज एंड। ठीक है, और मर्ज रिब एंड। ठीक है, सेम वर्क है, आपने किसी भी जैसे कोई कफ है, कोई जग है, उसका एक हैंडल बनाना है। ठीक है, तो हमारी जो प्रोफाइल है, हमारा जो सेक्शन है, हमारे सरफेस से मर्ज हो जाए। हम इस कमांड को यहां से ओके करेंगे। अभी तो अप्लाई नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारा अभी यहां पे कोई मटेरियल नहीं है, कोई बॉडी नहीं है। ठीक है, इसको यहां से ओके करेंगे। नेक्स्ट इसमें आपका आता है स्लॉट। स्लॉट इसका अपोजिट है। इसमें क्या करेंगे, ये हमारा सॉलिड बना, इससे इसको कट कर देंगे, मटेरियल रिमूव हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास पहले से कोई भी एक सॉलिड पार्ट होना चाहिए, सॉलिड पार्ट। ठीक है, हमने इसमें एक स्केच एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, सेंटर रेक्टेंगल, इसको एक्सट्रूड किया, पैड किया। ओके, ठीक है, कोई भी आपका सॉलिड पार्ट हो सकता है। इसके बाद फिर आपने जैसे हमने रिब के लिए प्रोफाइल बनाया था वैसे ही आपने इस पे, ठीक है, हमने इस पे भी कर्व बनाया। आप ऐसे नहीं कि कर्व ही बनाना है, कोई रेक्टेंगल भी हो सकता है और कोई वीवी शेप भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद फिर आपने रेफरेंस एलिमेंट प्लेन को मूव कराया। ओके, ठीक, इसके बाद फिर आपने क्या करना है, इस पे अपनी प्रोफाइल को ड्रॉ करना है। स्केच प्लेन सिलेक्ट, आपने इस पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। यहां से एग्जिट वर्क बेंच और हमने इस पे स्लॉट कमांड को अप्लाई किया, प्रोफाइल हमारी सिलेक्ट हो चुकी। सेंटर कर्व हमारा ये स्केच हो गया। एंड देन इसको यहां से हमने प्रीव करके देखा। ओके, राइट, ओके, थैंक यू।